जकड़ लो उसको और तेज एक साथ में। कहां से लाए थे? शमशान से, कब्रस्तान से। जो पूछा मैं उसका जवाब नहीं तो अभी काट दूंगा पूरा। कहां से? जोर से और जोर से लगा पूरी ताकत। मस्तान गट्टी की मट्टी मुर्दे की। कहां से लाए थे? मस्तान गट्टी की मट्टी मुर्दे की। हाँ वहां से मुर्दे की। अच्छा वहां से तुझे पकड़ के लाए थे। हाँ खाने में मिला कर। हाँ उसको डाल दिए पंखे की स्पीड कम कर। हाँ और जोर से। पंखे की स्पीड कम कर छोकरे उठ जल्दी। हाँ और हाँ बोल रहे तू लगा पूरी ताकत। हाँ हाँ फिर क्या करे वो मसन गट्टी से? कौन लाया था वो राख? औरत लई थी, आदमी लाया था? औरत लई थी। औरत लई थी, इसकी भावजी लई थी। अच्छा क्या नाम है सो उसका? नाम शगुफ्ता है। हाँ शगुफ्ता है। कपड़े बंदो कैमरा चल डाल दिए खाने में। अच्छा तो किस चीज में मिला के डाले सो? उसके अंदर तहारी में। हाँ इन्हें बहुत पसंद करती बोल के बना के। हाँ उसके अंदर डाल कर। हाँ खिलाए उसको। अच्छा तू उनको इधर नहीं आन दे रहा था मेरे पास में? हाँ रास्ते में से भगा के ले जा रहा था इनको। हाँ क्यों कर रहा था ऐसा? यहाँ पकड़ के मार देते बोल के। हाँ क्या क्या तकलीफ दे रहा था उनको? इधर नहीं आन दे रहा था? क्या रुका रहा था? क्या रुकावटे डाल रहा था? न्याना लड़ाई झगड़ा करना। हाँ और ऐसे रहना इसके नजदीक। हाँ और क्या तो मुश्किल डालना। हाँ और जेब में पैसे नहीं था ना। अच्छा इसके माँ बाप इसको देख नहीं सकना। अच्छा इन्हें मदद से सही नहीं रहना। अच्छा इसको मदद नहीं देख सकना। अच्छा और इसको तू मार देने वाला था ये बच्ची को? अच्छा इसको कब मारने वाला था तू? क्या नाम है इसका? शीरीन बेगम। कब मारने वाला था? दो मासा के बाद। अच्छा कैसा मारना था? बीमारी डाल के पास आए बोल के चुप बैठे ने तो जब भी खत्म हो जाती थी ने। अच्छा अब दो अम्मास के बाद मारने वाले? अब नहीं। अच्छा कैसा मारो बोले थे? बीमारी डाल के एक्सीडेंट करके मेरे को लड़ाई झगड़ा करना है ने मुल्का पे चल जाना। मुल्का से खत्म हो जाना और भी चल जाना। अच्छा ऐसा बोले थे को? ऐसा हुक्म दिया? ऐसा करा को खत्म करा बोले करके दवा डाले तो है। अच्छा और कौन कौन मिले आला जादू करने को उसके साथ में? इसमें इसके सास भी है। क्या नाम है उसका? उसका नाम खलीला है। सही बोल रहा तू? झूठ बोल रहा? सही बोल रहा भाई। इसका मर्द ने बोला इसकी सास के सामने। हाँ। मेरे को लेके जातू मैं गया सो हूँ। हाँ। जोर को लेके जातू बोले तो। हाँ बोले नहीं जा मैं सर का कर दे के छोड़ दी। अच्छा और और कौन मिले आला है? और कोई भी नहीं। और कौन है मिले आला? और कौन है? और कोई भी नहीं है। और घर में किसको किसको करे सब? अच्छा इसके घर में और किस किस को जादू करे सर? इसके माँ बाप नहीं देख सकना, इसके भाई नहीं देख सकना इसको। हाँ, इन्हें मुल्क में चल जाना। हाँ, इन्हें नहीं रहना घर में। हाँ, नहीं देख सकना मैं कुछ ये करना सब बोल के करे सो है। अच्छा। हमारी सास का वैसी इच्छा है वो सास का। हाँ, उसका सास क्या बोल के मिली क्या बोल के करी सो उन्होंने? मरा है ना दोनों लड़ झगड़ना। हाँ, इसको देख नहीं सकना। हाँ, मारन चोरी करना। हाँ, मेरा बेटा था ना मेरे साथ। हाँ, तो का दवा डाली दाल में। हाँ, कब खिले की तड़ा मोरा खिला के 3 साल हो रहा। अच्छा शीरीन बेगम को कहीं में मिला के खिलाए? शीरीन बेगम को दाल में खिला के खिलाए। अच्छा उससे पहले भी कोई करे वाला है क्या बचपन? अच्छा उससे पहले भी कोई बचपन में करे क्या शीरीन बेगम को? हाँ करा था। बचपन में कौन करा था? करा था। कौन? एक आदमी था। कौन होता वो इसका रिश्ते में? बाला से कतरा। अच्छा बाला लेके करा सो है। अच्छा कौन लिखा था वो? हाँ इसके गांव का था। क्या नाम है वो आदमी का? नाम महबूब है। अच्छा क्या बोल के जादू करा उन्होंने? क्या बोल के करा था? इसकी बेटी नहीं रहना किधर भी चल जाना। अच्छा बावरानों की चले जाना। और जल्दी बोलो तो काट दूंगा पूरा। अच्छा वो आदमी ने कुछ खिलाया था क्या? हाँ। क्या कहीं में खिलाया था? भाजी रोटी। कहीं में? रोटी में भाजी। जोर से बोलना आला है। हमारे की भाजी में। अच्छा कहीं की भाजी? भाड़े की भाजी। हाँ भाड़े की भाजी में रोटी। हाँ और अब तू क्या नाक रखा डर क्या? कमबख्त मुंडी ऊपर उठा के बोल। उठा जल्दी। हाँ कहीं में खिलाया था उन्होंने? भाड़े की भाजी रोटी। हाँ और बाहर कुछ भी नहीं।
तो इसके आंग पे एक औरत आ रही है, इन्हें भी पट्टू लगा रही है, बच्ची को भी लगा रही है, बच्ची को काटती बोल के चाक वाले को बैठी, वो औरत किधर से वो किधर से आई, वो लगाने लगा रहे उसके आंग में आके दवाखाने में से आ रही थी, कहाँ क्यों आ रही थी उन्हें, बच्ची को मार सटे थे डॉक्टर, डॉक्टर मार सटे थे बच्ची को, अच्छा वो औरत की बच्ची को मार के पीटे थे, विश्वास फिर इसके उसका क्या लेना देना है, उसकी बच्ची पसंद आई थी, अच्छा इसकी बच्ची पसंद आ गई वो मरे वाली औरत को, तो उन्हें इसकी बच्ची को ले जाने को आ रही, और कब तक ले जाने वाली उसको, अम्मा क्या कर रही सर, रट्टे पकड़ के सब फेंकती है, 50 बार पकड़ लिया हाथा में, बाप मारे उसको औरत को मारे सर का, पूरे बस्ती हमारे बाड़े के अंदर जोर को नहीं मारते तुम ऐसा मारे, बच्चे को हम खड़ी देखते फिर अपने हाथा पकड़ के जमीन को मारे, जाने का हुक्म दिया कम बखते घुमाए झगड़ा उसको तेजी से, जब तक मैं हुक्म नहीं दूंगा जाने तक मार के पूरा खत्म करूंगा, कर रहा नाला जवाब दे, और किस किस को दवा डाली उन्होंने, सबको डाली घर में, किस किस को डाली नामा बोल जल्दी, पूरे पूरे जन्म और सब और कम बखत, जम्बील काजम मुस्तफा उमर सुसरे को भी डाली है, सुसरे को सास को बेटी को उसके भाया देखने सकना, घर में लड़ना झगड़ना, घर बार रहने पड़ना, मेरा मर्द मेरे साथ रहना, उसको माँ बाप का नहीं जाना नहीं देख सकना, मेरा आदमी दूसरी औरत के पीछे पड़े, ये भी क्या करा कुछ करे सो है नहीं मालूम मेरे को, हाँ फिर आदमी कहे की मेरा दूसरी औरत के पीछे पड़े, हाँ हाँ छीना पड़े छीना पड़े, जा नहीं सकता तू अभी, देखो बहुत मारने वाले, जवाब नहीं देगा मेरे को समझा ना, नाला झगड़ो उसको तेज साथ में झगड़ो उसको, झगड़ो उसको और तेज से, बोल अब क्या करना तेरे हाथा काट के ले लूं दोनों, हाँ नहीं, कितने साल से परेशान कर रहा था तू ये बच्ची को, साल से 4 साल से, अच्छा जादू चलाते टाइम पे शिरीन बेगम का क्या लेके गए थे, क्या लिए थे, क्या लिए थे, शर्ट का कपड़ा लेके, कौन से कलर का, कौन से कलर का कम बखत, ब्लू कलर का, अजीब से लाके सुन रहा क्या बोल रहा हूँ, कौन से कलर का, ब्लू कलर का, हाँ और क्या लिए थे, और कुछ नहीं मुर्दे की दवा डाल दिए पेट में, अच्छा कहीं में मिला खिलाए थे, तेरा जला दूं तेरा हाथ जला के राख करूं, सारी रे नहीं नहीं चलो करूं राख जला के, नहीं जोर से नहीं, चल चीख मार के तोबा कर जल्दी, कितनी ताकत है तेरी, तोबा जोर से चीख मार एक जल्दी जोर से, चीख मार जोर से और जोर से, जोर से नहीं तो काट दूंगा अभी, सीधा उठ नाला, तू जाने का हुक्म नहीं दिया मैं, अरे बात मत करो उसको, लो उसको हाथों को जला, उधर ध्यान देता क्या, इधर मार क्या हमरा बेवकूफ, झगड़ो उसको ऐसे, हाँ बोल रहे कमीने काट दूंगे दोनों हाथा तेरे, नहीं हाँ दे वो दोनों हाथ, हाँ काट के ले लेंगे, बाहर टांग दी तेरे हाथा, कैसे मनमाना कर रहा था तू, क्या मनमाना चल रहे तेरे, नहीं करूंगा, गलीस बातें कर रही है, बोल रही तुम्हारा जैसा जवान है तू, ये तू मैं गंदे गंदे बातें, कौन दे रहा था गालियां, नहीं मैं, क्यों दे रहा था गालियां, नहीं दूंगा, क्यों दे रहा था, 2 महीने में एक घर खाली कराने का ऑर्डर दे रही, उतना तबाह कर दिया मेरे को, क्यों कर रहा था रे, नहीं करूंगा, क्यों दे रहा था गालियां, नहीं करूंगा, दूंगा अब दोबारा, नहीं दूंगा, तोबा कर, तोबा कर जोर से, करी, अरे फिर जा रहा पीछे, मारू अभी तेरे खत्म कर रहा हूं, पूरा मारने लगा के, जकड़ो उसको तेज के साथ में, जकड़ लो उसके हाथ आवाता काट के भस्म करेंगे, दे दे वो दोनों हाथा काटने का है मेरे को, हट जाओ पीछे से, हट जाओ तुम जरा, हट जाओ टच कई को कर रहे तुम उसको, हट जाओ, हाँ जकड़ो उसको, मारो उसको नाला को, जकड़ के उसको तेज के साथ में, लगाऊं तेरे अंदर आग अब तेजी से, नहीं नहीं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आग लगाओ उसके अंदर तेज साथ में, قم الليل القليل نصفه وانقص منه قليلا أعوذ بنار يقتل القرآن تقرينا خمس يقيا إنا نشهد الله هي أشهد ودم أخوى مقيلا إنا لك في النهار صباحا طبيلا واذكر اسم ربك واطبخ إليه تبطيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا أنت سبحانك وكيل واغفر على ما يقولون وهجرني وعذرني والمكذبين عليك نعمة والمقليل إنا لدينا أنكالا وجعلتم ساقوصا وعذابا أليما يوم ترى تفضل الجبال كانت برفق مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فهذا فرعون رسولا فأخذنا خدمه بلفقه فلتاكون أن كفرتم بيعهم يجل البيت أن شبه خلقكم بيعه كان وده مفعولا إنا حذيثا ذكرا إنا حذيثا ذكرا ومشيكم بسبيل إنا ربك يعلم أن والله يخنا رب النحار البلد توصف التبليم فأخرمت يسمح مسلات واتوزاك تواخرز الله خزن حصنا وما تقدم ينفذ من خير تجد حب عند الله خير وعظم جرع واستغفر الله إن الله غفور رحيم उसको अंदर से और तेजी के साथ में उसको जला के राख करने की तैयारी करो। करेगा दोबारा परेशान, करेगा दोबारा परेशान। जल्दी बोलने तो अभी काट के बसम कराता हूँ तेजी के साथ में। करेगा दोबारा परेशान। दिंगा उसके घर में गालिया, दिंगा गालिया, हाँ जोर से बोल नहीं, नहीं। करेगा घर में दोबारा लोगों परेशान। मेरे घर में से सोना भी चलेगा, देखो पैसे। सोना कौन ले गए उसके घर में से, कौन ले गए? तू चुराया? कौन चुराए? कौन चुराए उसके घर में से सोना, जल्दी बोल कौन, कौन चुरा कर ले गए? चोरी करा मैं। हाँ कितने पैसे चोरी करा तूने उसके? अब तक 50,000 चोरी करा। अच्छा तो तू ले जाके किसको दे रहा था पैसे चुरा चुरा घर में से? किसको भी नहीं, खुद ही ले रहा था। वाह रे चोट्टे जिन्नात, मरे वाला इंसान है जिन्नात है, कौन है तू? हाँ नहीं मरे वाला, मरे वाला है। मरते वक्त क्या नाम था तेरा, क्या नाम था? हिंदू का था मुसलमान का था? हाँ मुसलमान का। नहीं होता तू मुसलमान का, मसन गट्टी लाए थे ना तेरे को, झूठ बोलता कमबख्त, झूठ बोलता। चलाओ उसे तेज, चलाओ। आते सलाम करता है, पानी नहाते चला जाता आंख में। अरे हाँ सलाम करने से शुरू करता आगे। जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास, तो अभी काट के बसम कर दूंगा। क्या पूछा मैं जवाब? हाँ सोना कौन चुराया घर में से? वो नहीं मालूम। और पैसे? पैसे चुराया। हाँ चुराया पैसे। कौन? भाई। अच्छा और क्या क्या परेशानियां कर रहा था उनके घर में? मरे बच्चे का हत्या ही रिश्ता नहीं हो रहा। अच्छा रिश्ते क्यों नहीं हो रहे थे उसके घर में? मालूम है लड़ाई झगड़ा खाली। और क्या कर रहा था? पीने भी लगा रहा था? नहीं। हाँ और कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा। और इसको नहीं देख सकना खाली। हाँ करेंगे आप दोबारा परेशान? हाँ नहीं। चल तो बात कर जल्दी, एक मौका दे रहा हूँ, एक मौका। दोबारा मेरे को अगर दिखेगा परेशान करेगा। कहाँ जाके जादू कर रहे उन्होंने? कितने पैसे दे के करे? कितने पैसे दिए थे जादूगर को? कितना पैसा दिए थे? कितना दिए? कितना?
शुगुफ्ता 15,000। हाँ और नहीं अच्छा, किसके पास जादू करे, हिंदू करे मुस्लिम करे? किसके पास जाके जादू करे, हिंदू करे मुसलमान करे? मुसलमान करे। कौन से गांव से जादू करी? नांदेड़ से। कहाँ से करी? नांदेड़। अच्छा, क्या नाम है उसका जादूगर का? क्या नाम था जादूगर का? नाम नहीं मालूम। हिंदू का है मुसलमान का है? मुसलमान का। कहाँ रहता उन्हें? नांदेड़ में। अच्छा, कहाँ रहता? नांदेड़। सास किस कंधा के करेगी? दूसरी औरत कहाँ से करी जादू? इसके पास। हाँ, क्या उन्हें कहाँ से करी रहे? उन्हें भी करारी के नहीं करारी? करारी। उन्हें कहाँ से? उन्हें गांव से करारी। कौन सा गांव? नाम वो? बालकी से। हाँ, बालकी से। कितने पैसे दी उन्हें जादूगर को? 10,000। हिंदू है मुसलमान है? हिंदू का। अच्छा, नाम क्या है कि वो हिंदू का? उसका नाम नहीं मालूम। अच्छा, ठीक है, जकड़ के रखो इसको और तेज, और इसको और खिला रहे क्या दवाएं ला ला के बार बार? हाँ, दो बार खिलाई। दूसरी बार कहीं में खिलाई? इसकी भावे कहीं में? तारी में। अच्छा, एक बार चाही में। चल अब जमीन पे यहाँ नाक रगड़ मेरे सामने, तोबा करके निकल फौरी। दोबारा इंसानियत को परेशान करना नहीं नाला, तो अभी देखा ना कैसी मार पड़ी, इससे ज्यादा मार मारने लगूंगा। अभी तो टाइम नहीं था मेरे पास बोल के, अभी देखो खाली थोड़ा सा ट्रिला बताया। चल जल्दी तोबा कर नाक रगड़ के जमीन पे। बाहर निकलती है, चीखा मारती है। लेकिन नहीं दोबारा उसकी दवा तो निकाल के फेंक दूंगा मैं। इधर जा रही है क्या करती थी? बुरखेदार की निकलती थी, बैरवती थी, करती थी। वो जो है ना, वो अंदर का एक मुंह को लगा के बैठे हुए, कैमरा चालू, तुम्हें 50 बार बोलना क्या? तो वो जो है दास्तान खिला के कर फिर, इससे पहले कितने बार हाजिर हुआ? रोज ही हाजिर हो रहा है। काम पे आके सवाल जवाब करा के? सवाल जवाब करा। पहले तो बोला इसकी जिंदगी टूट जा रही है, इसका मरा इसको लेके नहीं जा रहा, 1.5 साल हुआ मरा, तल्लाव दे तू बड़ा बच्चा रख ले, तो मैं इसकी जिंदगी जोड़ने आई हूँ, और तेरा मरा दूसरी औरत के पीछे पड़ा। हमारे घर में बहुत मोहब्बत थी, गरीब जिंदगी लेकिन मोहब्बत थी, रहते थे। अब ऐसी किटिर मिटिर हो गई, बोल रही है मेरा एक बच्चा तो बयान कर रहा हूं, उनसे बात तो मैं सबको मिलाने को आई हूँ, बोला मेरा जाहिर किसी के सामने नको करो, बोला ठीक है, बोलते हाँ बेटी बेटी। मैं फिर एक दिन आया, फिर एक दिन आके नहीं, तेरा बेटा मेरे मुँह को छू के उसको माफी मांगने लगा, बोला तहज्जुद की नमाज पढ़ी थी, फिर आके ना तेरी बेटी को लेके जाओ। रुको, कैमरा चालू कर, देखो क्या हुआ, ये कौन है? अच्छा, ये कौन है इधर बैठे वाले? कौन है ये? अच्छा, उधर पीछे बैठे वाले कौन है वो? हाँ, बच्चा कौन है ये? देखो उधर। क्या? अरमान। अच्छा, कौन है वो बच्चा? खैर, अब ये जो भी दास्तान है, कौन कर रहे, क्या कर रहे, आई डोंट नो अबाउट इट, बट जो भी मैटर है मैंने तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करा है दुनिया के सामने। लेकिन ये जो ऐसे दास्तान है एक दूसरे पे जादू टोने करते, तुम लोग ऐसा सोच रहे कि बिल्ली दूध पीरी आंख बंद करके पता नहीं चलेगा, गलत बात है। आज नहीं तो कल तो राज खुलने वाले। चलो ठीक है, कोई नहीं तो नहीं देख रहा तुम्हारा, तुम पर्दों में जाके जादू टोने कर रहे एक दूसरे पे, ठीक है, मगर अल्लाह तो देख रहा ना, अल्लाह से डरो ना। अल्लाह से डरेंगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत सब बन जाएगी, और अल्लाह से नहीं डरेंगे और ऐसे हरकतें करेंगे तो फिर अल्लाह अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। और तुम एक दूसरों पे जादू टोने कर रहे, तो फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमा दिया था कि जो जादूगर के पास जाता वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, और जो जादूगर है वो भी हम में से नहीं है। तुम्हारी शफात करने का फरमा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं कीजिएगी तुम्हारी शफात हशर के दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए कि मैं उसकी शफात नहीं करूंगा जो जादूगर के पास जाता, वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं। फिर किस करे जाएंगे शफात करने के वास्ते? 1,24,000 पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे हशर के मैदान में। सारे पैगंबर ये बोलेंगे कि चलो सब
कुछ लोगों का एक मजमुआ जमेगा हशर के मैदान में, जब अल्लाह को जलाल रहेगा, ऐसा आलम रहेगा हशर का, पूरे हशर के दिन इंसान को डबल से जिंदा किया जाएगा क़यामत के दिन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इंसान को हम दोबारा पैदा करेंगे, डबल से बूंद आ जाएगा इंसान रीढ़ की हड्डी से, उसकी ऑटोमेटिक पूरी बॉडी बन के पूरी तैयार होगी, फिर चलेगा इंसान दौड़ते हुए, किधर जाएगा फिर भागते हुए। जैसा इंसान मरा, मरने के बाद सड़ा, सड़ने के बाद गला, गल के नष्ट होगा, वैसा ही इंसान डबल से पैदा होगा फटक के इस पेट में, और अल्लाह के हुक्म से फिर सब हशर के मैदान की तरफ भागेंगे। जब हशर के मैदान की तरफ भागेंगे तो अल्लाह जलाल में रहेंगे, अल्लाह सबसे फैसले लेंगे, और हर कोई बोलेंगे कि अब अल्लाह के सामने जाएंगे तो जहन्नुम में जाके गिराएंगे हमारे अमल हमा को। अब क्या करना, तो अब अल्लाह से माफी कैसे मांगना, अब दुनिया में तो खून के आंसू तो रोए नहीं हमने, खाली दुनिया में सादे भी आंसू रो लेते थे तो अल्लाह माफ कर देता था, और वहां खून के भी आंसू रोएंगे तो वहां माफी नहीं मिलेंगी। अब क्या करना, किसका नहीं जाना, बोलेंगे सब भागेंगे दौड़ते हुए। तो कुछ लोगों का ग्रुप जमा होकर बोलेंगे कि काम करेंगे, चलो अल्लाह के सबसे पहले पैगंबर आदम अलैहि सलाम के पास देंगे। चलो ठीक है, आदम अलैहि सलाम के पास पहुंचेंगे सब लोग, बोलेंगे आए आदम अलैहि सलाम, अल्लाह से सिफारिश करके हमारी बख्शा दीजिए हमें। तो आदम अलैहि सलाम बोलेंगे अरे जाओ मियां, मैं परेशान हूँ, मेरे इसमें काम ही को अल्लाह फैसला क्या देता, बोल के जहन्नुम में जाने का देता, क्या देता, क्यों, तो मैंने गंदुम खा लिया था जन्नत में, कहा अल्लाह उसमें से मेरे पे पकड़ लेता, बोल के मैं क्या करूँ, मैं मेरे इसमें परेशान हूँ। ठीक है, ऐसा करते करते लोग फिर सब पैगंबर को जाएंगे, लास्ट में मूसा अलैहि सलाम क्या देंगे, तो चलो मूसा कलीमुतुल्लाह के पास में जाएंगे। मूसा अलैहि सलाम अगर अल्लाह को बोल दिए तो अल्लाह क्या बोलते, तो हम अपने को बख्शा देगा। मूसा अलैहि सलाम बोलेंगे मियाँ जाओ, मैं परेशान हूँ, मैंने एक इंसान को काफिर को हुक्का मार के उसको खत्म कर दिया था, तो काम ही को अल्लाह वो बात पकड़ के लेके जाए सजा देता कि कहाँ पकड़ में लेता, कि बोल के मैं खुद परेशान हूँ, मैं ही नहीं कर सकता शिफा तुम्हारी, मैं खुद किच नहीं कर सकता तो तुम्हारी कहां से करूं। सब लोग परेशान हो जाएंगे, सारे पैगंबरों के पास जाएंगे, किसी की दाल नहीं करेंगे, किसी ने सब ये बोलिए कि जाओ जाओ जाओ, हमारे इसमें परेशान है, हमारे इसमें परेशान है। सिर्फ सबको लास्ट में याद आएगा कि अरे खातिमुज़्ज़मा पैगंबर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे नबियों के नबी, चलो रहमतुल आलमीन के पास में, अब उनसे जाके बख्शेंगे, भागते बहेंगे। सरकार सजदे में जाएंगे, सजदे में जाके जब अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह बख्श दे मेरे उम्मत को, तो अल्लाह कहेगा मेरे हबीब उठो सजदे से, 70,000 उम्मतें को बख्श दिया मैंने आपके सबके दुख में। फिर आप फरमाएंगे कि उठ ए मेरे मोहम्मद सल्लम, उठिए सजदे से, अल्लाह फरमाएगा मोहम्मद सल्लम फरमाएंगे कि अल्लाह बख्श दे मेरे उम्मतें को, फिर अल्लाह फरमाएगा कि ठीक है मैंने बख्श दिया आपके सबके दुख में आपके 70,000 उम्मतें को, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमाएगा कि मेरे हबीब आप उठ जाइए सजदे से उठिए, मैं आपके सारे उम्मतियों को जन्नत में डाल दूंगा, जिसके भी दिल में रही बराबर ईमान रहेगा, ढूंढो किस किस के दिल में रही बराबर ईमान है, सबको जन्नत में डालो। सारे क्या बोलते हो तुम, ईमान जला के राख कर दे रहे खुद का जादूगरों के पास जाके, और शफात यहाँ होने वाली है, मगर तुम पहले ही शफात का दामन छोड़ दे रहे हो, तुम जादूगर का दामन पकड़ ले रहे हो, तुम्हारा फिर उस शफात का दामन नहीं मिलने वाला। फरमा दिया ना कि मैं उसकी शफात हश्र के दिन नहीं करूंगा जो जादूगर के पास जाएगा, वो हमें से नहीं, वो हमें से नहीं, वो हमें से नहीं। तुम बुजुर्गान दीन के पास जाओ, तुम अल्लाह वालों के पास जाओ, तुम वली अल्लाहों के पास जाओ, वली अल्लाहों के पास जाओ, बुजुर्गान दीन के पास जाओ। अल्लाह फरमाता कि वली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो अल्लाह ने फरमाया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो अल्लाह ने फरमाया। क्या फरमाते आप कि जो नेक अल्लाह वालों की सोबत में अगर तुम बैठेंगे एक लम्हा तुम अल्लाह वालों की सोबत में बैठेंगे तो तुम्हारी 60 साल की इबादत का सवाब मिलेगा, तुम्हारा कितने साल का, 60 साल का, एक लम्हा अल्लाह वालों के पास में जाके बैठेंगे तुम तो 60 साल की इबादत का सवाब मिलेगा, और एक लम्हा जादूगर के पास जाके बैठेंगे तो फिर क्यों नहीं तुम्हारी 60 साल की इबादत रद्द कर दी जाएंगी। इसलिए परहेज करो जादूगर शैतान बल, ये जो है ना, ये कभी इंसानों का तुम्हारा भला करने के लिए नहीं, ये मूर्तियां, ये शैताना राक्षसाएं, ये सब जो है तो बेकार चीजें, तुम सिर्फ इबादत करो और इबादत के रस्सी को मजबूती से थामो, हदीस कुरान, और तुम जाना चाहो कर अल्लाह वालों के सोबत में बैठो। ऐ बच्चे दरवाजा बंद करो, अल्लाह वालों के सोबत में बैठो, अल्लाह वालों की सोबत में तुम बैठेंगे तो तुम्हारे को एक लम्हा बैठेंगे तो 60 साल की इबादत का सवाब मिलेगा, और जादूगर के पास जाएंगे तो इसका उलट नहीं होगा क्या, फिर 60 साल की इबादत रद्द नहीं होगी क्या तुम्हारी। तो इसलिए ये सब बातों को समझो और कहने सुनने से ज्यादा अमल करो, नमाज पढ़ो, और वली अल्लाह के पास, बुजुर्गान दीन के पास जाने से तुम्हारा ईमान तरोताजा हो जाता, तुम्हारी रूहानियत तरोताजा हो जाती, और रूहानियत इंसान जैसा शरीर के लिए खाता ना, शरीर की गिजा के लिए पानी और नमाज ये दोनों भी किसी के मोहताज नहीं है, पानी मोहताज नहीं पीने वालों का और नमाज मोहताज नहीं पढ़ने वालों की, मगर दोनों भी जरूरी है। पानी तुम्हारे जिस्म के प्यास के लिए, जिस्म के लिए पानी पीना जरूरी है, जिस्म के प्यास के लिए, और रूह की प्यास के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है।
ये दोनों भी चीज़ मगर दोनों भी किसी की मोहताज नहीं है, ना पानी पीने वाले का मोहताज है, ना नमाज पढ़ने वाली की मोहताज है, मगर दोनों भी प्यास जरूरी है। नमाज तुम अगर पानी पीएंगे जिस्म के प्यास के लिए जरूरी है, और नमाज पढ़ के तो रूह की प्यास के लिए जरूरी है। ये सब बातों पे अमल करो तो महफूज रहेंगे। बार बार बता दिया मैंने कि ऐसी हरकतें मत करो। और एक बात ये है कि क्या बोलना, कैसा बोलना, खबर में नहीं जाना है, खबर में जाके नहीं भरना है तुम्हारे को आजाब, बता दिया गया। अगर खबर का आजाब तुम्हारे ऊपर अगर बता दिया जाता तो तुम तुम्हारे मुर्दों को जमीन में दफनाना ही छोड़ देते थे उसके डर से, इतना खतरनाक आजाब है। अल्लाह की पनाह मांगो खबर के आजाब से, अल्लाह की पनाह मांगो खबर के आजाब से, खबर के आजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। खबर के आजाब को जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा मत बनाओ, दुनिया में मनमानियां करेंगे तो सजा तो भुगतना पड़ेगा फिर। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह से दुआ करो हर मामलों में कि अल्लाह इसे बलाओं से, शैतानों से, आफतों से, जादू कोने से पनाह में रख, तेरी पनाह में रख, बोलना अल्लाह तेरी पनाह में रख। और जब अल्लाह के पनाह में तुम चले जाएंगे तो पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा जहमत नहीं दे सकती। और तुम अगर अल्लाह की पनाह से हटके तुम जाएंगे शैतान वालों के साथ मिलके, तो फिर अगर अल्लाह तुम्हारे से नाराज होगा तो पूरी दुनिया मिलके भी तुम्हारा सुख नहीं दे सकती फिर। और तुम अल्लाह के रस्सी पे थाम लिए मजबूती से, वो राह पर चले गए और अल्लाह तुमसे राजी होगा तो पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा जहमत नहीं दे सकती। दुनिया की कोई ताकत की औकात नहीं है, कोई ताकत की औकात नहीं है, ना टेक्नोलॉजी की औकात, एंड टाइम पे फेल हो जाती है टेक्नोलॉजी, एंड टाइम पे देखे नहीं क्या वाकई पढ़ो तारीख के, तुमको पता चलेंगे कैसा तारीख के अंदर वक्तों ने मौसमों ने वक्त पे बदल दिए और सबको मात दिए बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े टेक्नोलॉजियों को। आज भी बेबस है कुदरत के सामने सारी टेक्नोलॉजी और सारी चीजें। इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो और एक दूसरे पर रहम करो और गरीबों का भी ख्याल करो, ज़कात सदका ये सब दिया करो गरीब को। और एक बात याद रखना, अपने पुराने कपड़े अपने खानदान के लोगों को नहीं देना, पुराने कपड़े देना एक तो बेअदबी की बात हो रही, यानी तुम खुद नया पहन रहे और तुम्हारे खानदान के लोगों को पुराना ड्रेस दे रहे। और पुराना ड्रेस देने में दो बातें, एक तो उसको तुम पुराना उतरा हुआ दे रहे ये बुरी बात है, और दूसरा अगर उन्हें जादू चलाते टाइम पे तुम्हारा ड्रेस लेके जाके अगर जादू चला दिया तो फिर तुम पिस जाएंगे, फिर चक्की के दो आटों के बीच में घी जवारी कैसे पिस जाती वैसे तुम्हारी जिंदगी पिस जाएंगी। इसलिए तुमको किसी को देना ही है तो नया खरीद के दो, 10 पुराने जोड़े देने के बजाय एक नया जोड़ा दिला के दो किसी को। और ज़कात सदका ये सब दिया करो, ये तुम्हारे आने वाले आफतों को, आने वाले बड़े बड़े बलाओं को टाल देते ये सब चीज़ें। और उम्र में, रिक्स में, सेहत में, तंदुरुस्ती में बरकतें बढ़ जाती है अल्लाह के फजल करम से, अगर किसी की दुआ लग गई तो कोई मजलूम की, इसलिए सबकी मदद किया करो। और घर के बाहर पानी भी रखा करो, घर के ऊपर छत पे कहीं तो भी, और थोड़े से जो बचा हुआ जो झूठा खाना रहता हो नालियों में मत डालो। अनाज, अनाज का भी क्या बोलते तो बहुत बड़ा मर्तबा है, छत पे टीनों पे फेंक दिया करो ताकि परिंदे चरिंदे भी है ना उनको भी खाने को मिले। और एक बात, कहीं भी पानी रखा करो, क्योंकि धुपकालों में मैंने भी देखा कि जानवर इतने बेबस हो जा रहे कि तुम्हारे घरों तक आके देखो, जरा वीडियो देखो नेटो पे आ रहे कैसे इंसानों के करीब आके मंग रहे हो पानी। चल किसी मैंने वो देखा कुछ तरीके ले रही तो तल 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 कर रही धूप के अंदर पानी से, जब आदमी दूर दूर हट रहा उसे तो और नजदीक आ रही उसके बाटल की तरफ इशारा कर रही बोलते पानी पिला। यानी कि तुम देश दुनिया से तुम ये सब चीजें भी उड़ा दे रहे, खत्म कर दे रहे, जंगला खत्म कर दे रहे, उनको भी तो जीने का हक है। इसलिए घर के बाहर एक पानी का हौज रखो ताकि कोई पानी जानवर पिया तो तब तुमको सवाब मिलेगा, सवाब जाए तो भी सवाब मिलेगा, कुछ नहीं तो नहीं। और दुआ लग गई तो फिर दुनिया भी बन जाती है, और बददुआ लग गई तो दुनिया बर्बाद हो जाती। दो बातें, दुआ कबूल हो गई तो दुनिया बन जाती, और दुआ बददुआ लग गई तो दुनिया बर्बाद हो जाती। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। ठीक है, चलो रोटी।